आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन रह चुका है। बेसिकली सुबह 8:30 बजे का निकला हुआ हूँ, तो पहले मामा को लेके जाना था उनके कॉलेज भी, और वो कॉलेज और स्कूल दोनों है, गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज और स्कूल है, तो वो विक्टोरिया क्वींस का मैं अभी जाता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो मौसम तो आज वैसे ही अच्छा हुआ है, तो मैंने कहा क्यों इधर से ही वीडियो आज का व्लॉग जो है वो यहीं से शुरू कर लें। तो आज का दिन बिजी दूसरा इसके लिए भी है कि अभी वहाँ से होके फिर मैंने जाना है सलार को पिक करने, वो अपनी नानों के घर है, तो सलार को पिक करने के बाद फिर मैंने उसको हाजिरी लगवानी है डॉक्टर को, कि उसको मेरे ख्याल से शायद लूज मोशन लगे हुए हैं, वो बेसिकली दांत निकाल रहा है, तो जो छोटे बच्चे जो माशाल्लाह दांत वगैरह निकाल रहे होते हैं तो उनको आगे भी पता है कि थोड़े से होते लूज मोशन वगैरह बुखार वगैरह चढ़ जाना, तो जीने तो वजूद में छोटी मोटी बातों पे परेशान हो जाती है, डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी आएँ। फिर मैंने कहा चलो मैं उसके बाद जाके मैं उधर जाऊँगा। ये है बेसिकली पुराना लाहौर, ये हवेलियाँ चेक कर रहे हैं आप लोग, ये पुराने लाहौर की हवेलियाँ, और आपको एक आर्किटेक्ट दिखाता हूँ, ये देखें ये वाला घर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये पूरा लटका हुआ है, ये मतलब लाइक डैट है, मतलब ये पूरा ना ऐसे हुआ हुआ है, तो देखिए अब इसका क्या बनता है, ये देखें ये सीधा बिल्कुल नहीं है, ये टेढ़ा, अगर ये गिर जाता है तो ये सड़क इधर ये स्कूल है ये इसके ऊपर आके गिरेगा, तो अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ना करे ये गिरे, लेकिन फिर भी ये है लाहौर का पुराना इलाका। यह गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज भी है और ये ना स्कूल भी है, ये वाली जो साइड है ये तो गवर्नमेंट ने ख़ुद बनाई थी, ये इसकी पुरानी बिल्डिंग है, ये विक्टोरिया क्वीन सी है, बेसिकली उसका महल था जिसको इन्होंने स्कूल की अथॉरिटी देके इसको यहाँ पे ना ये बेसिकली इसका स्कूल बना दिया। ये पुराने लाहौर, ये उर्दू बाज़ार के सामने ये वहाँ का एरिया, ये दरवाज़ा आप इसका चेक करें कितने साल पुराना इसका मेन डोर है, और ये है इसका मेन दरवाज़ा। मौसम देखें यार, मौसम कितना अच्छा हो गया, बस इससे ज़्यादा ख़राब ना हो मौसम, मौसम तो वाकई बड़ा अच्छा हो गया। चलना शुरू, बस बारिश का इंतजार रहेगा, आंधी चल रही है, बारिश का इंतजार रहेगा, आंधी चल रही है। मैं इसकी दवाइयाँ ले कर ले निकला हूँ, और ये जनाब साहब देखो जरा किधर बैठे हुए हैं, चेक करो जरा बैठे हुए हो किधर बैठे हुए हो, ये किस चीज के ऐसे, ओए वापस कर, वापस कर, ये नहीं दादा मैंने नहीं लेना है, वापस लो, वापस मैं तो नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं लूंगा, थप्पड़ खाएगा तू, थप्पड़ खाएगा, थप्पड़ खाएगा। फाइनली अभी मैं घर तो बेसिकली गया था, तो फिर मेरा दिल नहीं किया मैं घर जाने का, मैं फिर बड़े भाई की तरफ आ गया, बड़े भाई की तरफ आके मैं तो आराम से बैठ गया, तो जनाब साहब खेल रहे हैं, ये जनाब साहब चेक करो टीवी देख रहे हैं आराम सुकून से, और ये सलार ये क्या है, ये क्या है, ये बजा के दिखाओ, ये बजाओ, ओ वाह 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 वाह, ओ वाह, कैसे बजाते हैं, कैसे बजाओ, इसको उठाओ पहले, सारी चीज़ें को साइड पे करो, क्या बजा, अब बजाओ इसको, ऐसे बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं, ये क्या मंकी, एक ये हमारा मंकी है, और ये क्या देख रहे हो महत, क्या देख रहे हो, तो आ गया मंकी, मेरा मंकी क्या गल है, मेरा मंकी क्या गल है। बड़े ही कोई अरसे बाद बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूं, कोई हफ्ते बाद, क्योंकि ये हफ्ता अपने नानों के घर गया हुआ था हफ्ते से, वे गिरना जी आराम से बैठो, गिरना नहीं है, ये हफ्ते बाद तो ये बेचारा आया, तो मैंने कहा यार बच्चे की टाइम स्पेंड कर रहे हो, मेरा जी जा रहा था, कौन सी कटिंग करा के आया, वैसे कौन से बॉलर की कटिंग कराई है, देखो जरा सारे सही कराए हैं, कटिंग कौन सी कराई है, कुछ कटिंग कराई है आपने, है
बाबा को बताओ कौन सी घड़ी चलाई है। अभी बेसिकली बज रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं और मुझे लग रही थी बहुत भूख। मैंने जीनत को उठाया, मैंने कहा जीनत उठ यार बहुत भूख लग रही है। तो सलार तो वैसे भी सो ही रहा है, तो फिर यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ही है बर्गर गेट। मैंने उनको कॉल वगैरह करके एक बर्गर मंगाया, कश्मीर उनके यहाँ बेसिकली कश्मीरी है। अभी बेसिकली जीनत तो अभी फिलहाल सो ही रही है, लेकिन मुझे कन्फर्म पता है क्योंकि बर्गर गेट में ना उसका जो कश्मीरी बर्गर है ना वो उसको बहुत पसंद है। तो जब उसको वो खुशबू ही आनी है ना वो कश्मीरी बर्गर की, उसने तभी उठ जाना, मुझे कंफर्म है। सर में उसके काफ़ी दर्द था तो वो बेचारी जल्दी सो गई है। तो मुझे तो नींद तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन ना नींद मुझे ना बेसिकली भूख लगी, लेकिन नींद आ रही है पर मुझे लग रही है भूख। तो अभी जैसे ही आता मैं आपको दिखाता हूँ होता कैसा मज़ेदार, होता मज़ेदार है। कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, मस्ती गेट, मोरी गेट, पता नहीं कौन कौन से गेट है। ये आ गया है ऑर्डर, देखना है कश्मीरी कौन सा और तुम्हारा कौन सा। वैसे देनी चाहिए ना केचप, हम वो जो देते हैं सॉस वो किधर। सॉस भी तो देनी है। कैसे पता कश्मीरी है? लिखा है कश्मीरी, लिखा है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप तुम बोलो। मैंने बेसिकली अभी दोनों टेस्ट किए, कश्मीरी गेट मैंने इनके मस्ती दिल्ली वगैरह ये ना ईच एंड एवरीथिंग पहले मैंने टेस्ट किए हुए थे तो बड़े मज़ेदार थे। तो इन्होंने एक नया ऐड किया था कश्मीरी गेट, तो मैंने कहा उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन उसमें क्या है, उसके जो स्टिक्स है ना, उसका जो चिकन है उसको ना वो जो कुरकुरे होते हैं ना रेड वाले, उसको उसमें रख के उन्होंने फ्राई करके लगाया हुआ है। लेकिन टेस्ट तो है, लेकिन एज सच मतलब वो जो दिल्ली और मस्ती का उनका टेस्ट है ना, जो स्टिक्स का टेस्ट है वो वाकई बड़ा टेस्टफुल है। तो कश्मीरी एज सच मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया, पसंद है लेकिन वैसे इतना पसंद ही आया। लेकिन वो सारा वो महंगा भी था, वो 550 रुपये का, और जो दिल्ली था वो 450 रुपये का था। खैर पहले ये 7 सॉसेस देते थे कि वो अब सॉसेस वगैरह कुछ भी नहीं, वो आपने देखा। खैर आज का जो व्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह आँख ही बंद होगी। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। मेरा शो है तो हम भी सोते हैं इंशाल्लाह, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मंथ। अल्लाह हाफ़िज़।